यार तुम्हारे ऑफिस में पैसे भीख की तरह मांगने पड़ते हैं। और ये मजीद कौन है मुझे समझा रहा है कि रिक्वेस्ट कहाँ जाती है और कौन सेंड करता है, मतलब हाथ दे। आप तो बहुत समझदार हैं, अच्छे से जानती हैं कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, और आप उस रास्ते पर सिर्फ चलनी नहीं दौड़ रही है माशाल्लाह से। मगर मुझे लगता नहीं है कि मैं ट्रस्ट वजीद और कर पाऊं, क्योंकि उस ट्रस्ट के बीच में तो आप आ गए हैं। हाँ, तुमने मुझसे एक जावेद नामी शख्स की तलाश के लिए कहा था ना? हाँ, कुछ पता चलो? एक डेड बॉडी मिली है, मगर मेजर एक्सीडेंट की वजह से उसकी शनाख्त करना बहुत मुश्किल है। अब उसकी शनाख्त करनी है तो तुम्हें उसकी बेबी को यहाँ लाना होगा। अल्लाह की मर्जी के सामने किसकी चली है? तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे। हमने एक बेटी को ब्याया तो अल्लाह ने हमें दूसरी बेटी दे दी। रुई बेटा, इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को अकेले मत समझ, हम तुम्हारे साथ खड़े। हाँ बेटा, तुम इस घर की रौनक हो, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र, सब ठीक हो जाए। परेशान किसी भी किस्म की कोई बात हो अपने वालदैन समझकर बिला झिझक हमसे कह देना। नहीं बेटा, नहीं रोते। रोही, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? हमारे यहाँ तो इद्दत की खवातीन बर्तनों को हाथ तक नहीं लगाती और तुम यहाँ किचन में घुसकर नौजत फैला रही हो। मैं हिरा के लिए खाना बना रही थी,
सर नेक। आइंदा कोई काम हो ना तो मुलाजमों को बताना, घर में बहुत सारे मुलाजम है काम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जल्दी निकलना पड़ रहा है, तू ही आप मुझे एक कप चाय बना के दे सकती हैं? हटो यहाँ से, मैं इसके लिए चाय बनाऊँ। नहीं नहीं चशियान, थैंक यू सो मच, आप रहने दें, रूही बना देगी। बेटा ये इद्दत में है, इसके हाथ का खाना पीना मकरूह है। चशियान मैं जानता हूँ कि वो इद्दत में है, लेकिन आई एम श्योर एक कप चाय तो बन ही सकती है। रोहित हम बैठे। ना ये लड़की ने पता नहीं क्या पढ़कर फूंकर सब पे सब इसके नाम की माला जपते हैं। भाई देखिए, जब रोहेल मियाँ रोही को घर में लेकर आए थे तो हमें थोड़ी मालूम था कि एक गैर अजनबी लड़की हमसे उसका ऐसा नाता होगा जैसे कि हमारी अपनी ही हो, और ज़रा देर को वो लड़की अगर यहाँ से वहाँ हो जाती है तो लगता है कि अपने ही घर का आदमी जो है वो कम हो गया है। बिल्कुल मशकूर मियाँ, रोही के शौहर की नागहानी मौत ने हमारे घर को सूना कर दिया। मैं तो हैरान हूँ मशकूर मियाँ उसके बर्दाश्त पे। उसको यकीन था कि उसका शौहर उसको ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस हालत में मिलेगा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन बहरहाल उसके सब्र का फल उसे ज़रूर मिलेगा। अब हमने और आपने ये सोचना है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम उसके लिए वो सब करेंगे जो कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें उसे ये एहसास दिलाना है कि वो अकेली नहीं है। मेरे लिए वो बिल्कुल सबरीन जैसी है, और वो इस घर में जिंदगी भर रहे मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि मुझे खुशी होगी। न्यूज अपडेट, शम और जमशेद आ रहे हैं अगले हफ्ते। आपने अपना फोन चेक नहीं किया, उसने आपको भी मैसेज किया। अरे वाह नन्हे मियाँ, पैसों और तकाजा तो नहीं कर रहे। चचा अगर शमो के अकाउंट में थोड़े से पैसे चले भी जाते हैं क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बाय द वे, अगले हफ्ते आप दोनों आ रहे हैं बोर्ड मीटिंग में? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पाटर वो तुम लंच में क्या कराओगे? तो जाहिद नहीं आ रही। ये देखा आपने, देखा कैसे निकला ये? खुदा का खौफ करें आप, ये जो पाए निहारी ये सब है ना, आपके लिए शजर ममनुआ है। रोहेल, ये मजीद बता रहा है कि मंडे को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है और मैं उस मीटिंग में नहीं हूं। देखो समरीन, पहली बात मजीद नहीं, मजीद साहब। हाँ यार मजीद साहब। और दूसरी बात ये है कि देखो वो मीटिंग जो है ना वो बोर्ड मेंबर्स की है और तुम अभी मेंबर हो नहीं, लेकिन इस पे बात चल रही है, यू नो इस पे जाहिर है वोटिंग होगी, उसके बाद कोई फैसला होगा। तो क्या तुम अब्बू और ताया अब्बू मेरे खिलाफ वोट करोगे? समीन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हम तुम्हारे अगेंस्ट वोट क्यों करेंगे, लेकिन देयर आर अदर मेंबर्स आल्सो, वो वोट करेंगे तो कोई बात बनेगी, लेकिन होपफुली सब बजान से एग्री कर लेंगे। हेलो जी रोहेल, आप कॉल कर रहे थे? जी मैंने की थी कॉल, आप शायद बिजी थी। नहीं मैं नमाज पढ़ रही थी। अच्छा, मैंने बस आपकी खैरियत मालूम करनी थी। एवरीथिंग ओके? ठीक हूँ मैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। नो वरीज, आई विल सी यू। रूही की कॉल थी?
हाँ वैसे जस्ट आस्किंग, क्या वो हमेशा हमारे घर में रहेगी? मेरा मतलब है उसने अपने बारे में कुछ तो सोचा होगा ना। तुम्हारी इस बात का जवाब तो बीजा नहीं सही तरह दे सकती हैं। आई डोंट नो। जी प्लीज। सर बैरिस्टर गौरी साहब तशरीफ लाए हैं और बोर्ड मीटिंग से पहले आपकी पहले उनसे मीटिंग है। आप श्योर आप उन्हें भेज दीजिए। थैंक यू सर। हाँ मैं जाने वाली थी मगर इस टॉपिक पे मुझे तुमसे बात करनी है। ओके Alright. Yeah, that shouldn't be a problem. I'll take care of it myself. No worry. ठीक है कल के करते हैं। Alright. I'll call you in the evening. ठीक है? Okay, bye. रोही, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? जी मैं ठीक। आपसे बात ही नहीं हो पाई। मैं ये प्रिटेंड तो नहीं कर सकता कि मुझे अंदाजा है आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं, लेकिन इस चीज का मुझे यकीन है कि जिस हिम्मत से आप हालात का सामना कर रही हैं इंशाल्लाह अल्लाह आपको रिवॉर्ड करेंगे। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हमारा मिलना भी बेसबब नहीं था, यू नो, बिकॉज नेचर डजंट वर्क दैट वे। आपको पता है मैं तो वापस जाने वाला था बिकॉज मैं अपना बैग होटल में भूल आया था। आई गेस इट वाज मेंट टू बी। आर यू ओके? मशकूर साहब। क्या एक बेवा औरत जो इद्दत में बैठी हो वो किसी गैर मर्द के साथ बैठकर क्या की बाजी कर सकती है? ये जायज है या नाजायज? ना मैं मुफ्ती ना मैं गाजी। काम करें, गूगल कर लें। बात को ज्यादा घुमाए मत। मैं रूही और रोहेल के बारे में बात कर रही। ग़ज़ब खुदा का रात के इस पहर लॉन में बैठे खुशगप्पियों में मसरूफ है। खुदा का खौफ ही नहीं है इस लड़की को? एक हफ्ता पहले शौहर के कुल पढ़कर फारिग हुई है और अब देखो इस वक्त क्या की बाजियां हो रही है गैर मर्द के साथ। देखिए ना तो आपको बेफिक्र तजुर्बा है और ना ही आपने इज्जत काटी है, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप हाथ बुलंद करके दुआ करें कि आपको ऐसा मौका नसीब हो ताकि आप इस वाकई की सही मानों में मंजर कशी कर सकें। अल्लाह ना करे, क्या नाप शनाप बके जा रहे हैं। यानी कि आप एक बेसहारा गमजदा के पीठ पीछे जहर आलूद कलमात बोलते हैं तो वो तो कसीदा गोई हुई ना, है ना? अल्लाह की पनाह आपसे। जी मैम। ये मजीद कहाँ है? मैम वो तो सीट पर नहीं है। अच्छा जब दिखे तो मेरे पास भेज दो। ओके मैम। जी मैडम। कहाँ थे आप? मैडम आज मेरी नवासी का रिजल्ट था, उसके स्कूल गया था, बता कर गया था मैं। दुनिया जहां के काम कर लेते हैं आप, मगर जब मुझे काम होता है यू आर नेवर देयर। नेवर। आप मुझे बताएंगे
आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैडम ये इत्तेफाक है, वरना मैं ऑफिस से बहुत कम बाहर जाता हूँ। आप ऑफिस में हो ना हो, मेरे तो किसी काम के नहीं। नाउ प्लीज लीव, चले जाएं। रिजल्ट लेने चले, पता नहीं कैसे काम कर। मजीद साहब, वो मीटिंग के मिनट्स अभी तक आपने मुझे भेजा नहीं, और वो अब्बा जान और आप जा रहे हैं जी साहब? क्या हुआ मजीद साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं जा रहा, मजीद साहब से क्या कहा है तुमने? यार ये बंदा ना मेरी समझ से बाहर है, जब देखो अपनी जगह पे नहीं होता और पूछो तो झूठ पे झूठ, कभी बेटी का रिजल्ट है, कभी पार्किंग में जगह नहीं मिली, काम का बोलो तो अभी करता हूँ कल हो जाएगा। You will apologize soon. You get it? शाहिदा बता रही है कि नसीबे दुश्मन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बस थोड़ी सी थकन है और रात नींद भी बहुत देर से आई। थकन की बात नहीं है बीजान, जमाने भर के गम पाल रखे हैं आपने, जरा भी ख्याल नहीं रखती आप अपना। जुबैदा बेगम, हम तो घर और घर वालों की फिक्रों में ही जीते हैं, इनकी खुशियों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। घर वालों की बात अलग है बेजान, लेकिन कुछ लोगों ने तो अपने सारे दुख दर्द आपकी झोली में डाल दिए, मसला उनसे है। क्या मतलब समझूं मैं इस बात का? साफ साफ एक बात कहूं अगर आपको बुरा ना लगे तो, ये औरत हमारे घर में इद्दत काट रही है, कब जाएगी, कभी जाएगी भी या नहीं? सुपैदा बेगम, जितना बड़ा हमारा घर है, अगर इससे आधी भी जगह तुम्हारे दिल में होती गैरों के लिए, तो तुम्हारी जिंदगी और आखिरत दोनों संवर सकते। आए भी जाना, आपने तो हमें जहन्नुमी बना दिया जीते जी। सुबेदा, रूही हमारी कुछ भी ना लगती है, लेकिन क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि किसी के मुश्किल वक्त में उसका साथ भी ना दे सके? और क्या किसी की मदद करने के लिए अपने और पराए का फर्क देखना जरूरी है? मदद करने से कौन रोक रहा है बेचान? असल मसला ये है कि जिसकी मदद की जा रही है उसकी नियत कैसी है। दिलों के हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है सुबैदा बेगम। ये सूप ना रूही बाजी ने बनाया है, कहा कि मैं आपको दे आऊं। बहुत उम्दा है,
तुम भी पियो। नहीं बेचान, आप पिए। इद्दत में बैठी औरत के हाथ का मैं नहीं पी सकती। कायाजान, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हें पता है, जब हमने कारोबार शुरू किया था तो तुम्हारे अब्बू मजीद साहब और एक प्यून, ये टोटल स्टाफ था हमारा। और आज तकरीबन लगभग 100 अफराद हमारी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी मजीद साहब की तरह ईमानदार, वफादार और दयानतदार नहीं है। हमने तुम्हारी तबीयत में क्या कमी छोड़ी थी, बताओ क्या कमी छोड़ी थी? तुमने अपने बाप की उम्र के शख्स के साथ बदतमीजी की। बहुत गुस्से में वो, बहुत। मैंने उसे समझाया कि मैं बात करूंगा। I'm sorry ताया जान। ये सॉरी तुमने मजीद साहब से कहा? कल कह दूंगी। बात सुनो, माफी मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्या हुआ है बोलो। वो दो टके के मजीद के लिए ताया जान ने मुझे इतनी सुनाई है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। बड़े भैया में ना हद है। अपने बेटे को तो तख्त पर बिठाया हुआ है, पर हमारी बेटी के लिए नसीहत। बड़ों से बदतमीजी के बाद आप कहीं इनाम की तवक्को तो नहीं करते बड़े भैया से? बुझान, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऑफिस में अगर कोई मुलाजिम मुझसे बदतमीजी करेगा क्या मैं जवाब ही नहीं दूंगी? जिसको आप मुलाजिम कह रही हैं उसको मैं मजीद भाई कहता हूं। और जिन आसाइशों में पली बड़ी हैं उसमें मुलाजिमीन का खून शामिल है। तो ऐसा कीजिए, ये घर ये दौलत उन मुलाजिमीन के नाम कर दीजिए ना, हमें फेंक दें फुटपाथ पर। वैसे मशकूर साहब, मैंने जिंदगी में ये पहला खानदान देखा जिसमें अपने बच्चों के सामने दूसरों को तरजीह दी जाती है। और रुहेल ने ऑफिस में सबके सामने जिस तरह मुझ पे चीखा है ना, अगर आप देख लेती ना, जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखती। आप दोनों से गुजारिश है इस घर के पुरसुकून माहौल को बर्बाद ना करें। देख रही है, मेरी कोई परवाह नहीं, उनको नजर नहीं आता। Point number three. This is to request the inclusion of Ms. Samreen Mashkoor Siddiqui as member of the board. What is this nonsense? That was my idea. लेकिन obviously आप दोनों के approval के बगैर तो नहीं हो सकता। Well, मैं बोर्ड का मेंबर हूं और मेरे पास वीटो पावर्स भी हैं। नथिंग इज अ टेरिबल आइडिया। मशहूर मियां, इस कंपनी में आपके फैमिली के शेयर्स भी मौजूद हैं, तो उस लिहाज से कंपनी के बोर्ड का मेंबर बनना कानून दुरुस्त है। मुझे इस कंपनी के कानून से ज्यादा इस कंपनी की सेहत की ज्यादा फिक्र है, लिहाजा मैं इस पॉइंट को मुस्रद करता हूँ। टेरिबल आइडिया। पॉइंट नंबर फोर, हॉलीडेज। हॉलीडेज भी increase from days 40 to that. ठीक है, ये बात ऐसी होगी।
अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? अभी आज तुम्हें ही याद कर रहे थे हम और तुम्हारी कॉल आ गई। बीजान, मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात कहने के लिए फोन किया है। जी जी कहिए बेटा, कहिए। डैड के कजन है जो दुबई में सेटल्ड है, उनकी वाइफ का इंतकाल हुए काफी अर्सा हो गया। एक बेटा है और एक बेटी है उनकी। बेटी की तो शादी हो गई है और बेटा हॉस्टल में रहता है। वो दोबारा शादी करना चाह रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप कहें तो रूही के लिए बात करूं। बीजान, आर यू देयर? बेटा आप तो जानती है ना, रूही के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी कयामत से कम नहीं है। और रूही हमारी बेटियों जैसी है, हमारे ऊपर वो और उसकी बेटी बिल्कुल भी बोझ नहीं है, बल्कि हमें तो लगता है हमारे घर में उन दोनों के आने की वजह से रौनक सी आ गई। जी आप ठीक कह रही हैं, बस मैंने सोचा कि रूही का घर बस जाए। मेरी इंटेंशन बुरी नहीं थी बीजान। बेटा आपने बिल्कुल ठीक सोचा, अपने ही अपनों के लिए ऐसा सोचा करते हैं। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह रूही और उसकी बच्ची के लिए बहुत बेहतरी कर दे। आमीन। जी आप ठीक कह रही हैं। आप बिजन, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, एक अपॉइंटमेंट है मेरा। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। जी खुदा हाफिज। जीती रहिए। यार ये हालत देखो जरा, शम्मू यहाँ पे रोड्स के, तुम एक यूएस से और रोड्स क्या, महंगाई की हालत देखो कहाँ जा रही है। 2-2.5 लाख रुपए में अब गुजारा हद से ज्यादा मुश्किल हो गया। मुस्तकिल इंतजाम करना पड़ेगा शम्मू। माशाल्लाह से रोहिल भाई का कारोबार कितना अच्छा है, कितना अच्छा है माशाल्लाह से। वो तो मुझे यूं एडजस्ट कर देंगे, तुम बात करके देखो उनसे। जमशेद, मैं रोहिल भाई से पैसे मांग मांग कर थक चुकी हूँ अब। अरे यार शम्मू, पैसे मांगने का कौन कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कारोबार में 2-3% का शेयर होल्डर बना दे मुझे। और ऐसी बात नहीं है कि मैं शेयर होल्डर बनके घर बैठ जाऊंगा, आऊंगा भाई, मैं ऑफिस आया करूंगा। जमशेद, मैं इतने दिनों बाद अपने घर वालों से मिलने जा रही हूँ, प्लीज अभी तो अपनी फरमाइशें बंद कर दो। तो मैं भी तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, मैं कितना थका हुआ और बी जान की वजह से। ठीक है ठीक है ठीक है, मत करना इस वक्त बात, नेक्स्ट टाइम कर लेना, लेकिन तुम्हें यह बात करना होगी। जी जी, अमेरिका घूमने फिरने के लिए तो बहुत अच्छा है, मुस्तकिल रिहाइश बहुत मुश्किल है। मियां लाखों पाकिस्तानी वहां रहते हैं और लाखों वहां जाना चाहते हैं। अब बीजान कोई और कुछ करना ही नहीं चाहता हो तो फिर तो वो तो कहीं भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि बेटा मेहनत तो हर जगह है। जी जी बीजान, मैं मेहनत से नहीं घबराता हूँ। अब अमीब देखे ना, रोहिल भाई को पता भी था हमारे, फिर भी वो घर पर नहीं है। बेटा काफी काम का लोड है उसके ऊपर, लेट आता है वो। अच्छा। अरे बड़े अबू आप ये क्या कह रहे हैं, मैं किस मर्ज की दवा हूँ? आप मुझे हुक्म करें, लोड मैनेजमेंट में आपका दामाद माहिर है माहिर। शम्मो बताओ ना। अमीब वो वैसे रूही नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? रूही कमरे में होगी अपने। अच्छा मैं उससे मिल के आती हूँ। अरे हम भी चल रहे हैं, सुबह से हीरा को नहीं देखा, आते हैं। आ जाए। चले भैया। अच्छा हुआ ना तुम आ गई। सो जमशेद मियां, आपका कहना है कि आप कारोबारी मामलात में रोहिल का हाथ बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपकी कारोबारी समझबूझ रोहिल जैसी है। जी जी, काश ये बात हमें शम्मू की शादी से पहले पता चल जाता तो क्या होता बड़े अब्बू? वही होता जो
मंजूर खुदा होता, डबोया मुझको होने ने। न मैं होता तो क्या होता। वाह 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 वाह, क्या बात है मिर्जा नौशा की है। मैं अमेरिका में थी जब मम्मी ने मुझे बताया। वाकई में बहुत दुख की बात है, और चंद हालात में सब कुछ हुआ और ज्यादा तकलीफ दे है। बस अल्लाह की जो मर्जी। खैर तुम ठीक हो? जमशेद भाई आए? जी हाँ, जमशेद मियाँ आए हैं, लाउंज में हैं। घर के मर्दों के हत्थे चढ़ गए हैं बेचारे, अल्लाह खैर करे। मैं इद्दत में नहीं होती तो तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा सा पकाती हूँ। अभी भी बना सकती, क्योंकि हम ये जो रिवायती तोहमात हैं ना, इनके हक में कभी भी नहीं थे और ना हैं। Absolutely. हमने तुम्हारी तरबियत में क्या कमी छोड़ी थी? बताओ क्या कमी छोड़ी थी जो तुमने अपने बाप की उम्र के शख्स के साथ बेइज्जती की उनकी? माफी मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब देखो अपनी जगह पे नहीं होता और पूछो तो झूठ पे झूठ। कभी बेटी का रिजल्ट है, कभी पार्किंग में जगह नहीं मिली। काम का बोलो तो अभी करता हूं, कल हो जाएगा। You will apologize soon. You get it? जिसको आप मुलाजिम कह रही हैं, उसको मैं मजीद भाई कहता हूं। और जिन आयशाइशों में पली बड़ी हैं, उसमें मुलाजिमिन का खून शामिल है। मैंने जो कुछ कहा उस पर मुझे अफसोस है। I'm sorry, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपने कहा तो मैंने दिल पर पत्थर रखकर उस आदमी से माफी मांगी। बेटा बहते दरिया के साथ बहना सीखो। ये सब इकट्ठे हैं हमारे खिलाफ। एक जरा सी गलती हमें इस पूरे खेल से बाहर कर सकती। हमें एक और बात पता चली है, अभी कंफर्म नहीं है मगर आप अब्बू से पूछें। उन्होंने मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने पर मुखालफत कर दी है। अगर ऐसा है तो आपकी बेटी के साथ जुल्म हुआ है। I wanted to thank you. आगे तुमने मेरे कहने पे apologize कर लिया। हाँ वो heat of the moment में हो गया। जब एहसास हुआ तो जाके माफी मांगी। चलो let bygones be bygones ना। कल हम fresh candidates के interviews कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। Okay. अरे बीजान, आप यहाँ? मैं आपके पास ही आने वाली थी। कोई काम था? नहीं, वैसे ही दिल चाह रहा था आपसे मिलने का। वाह, ये हुई ना बात। देखो तुम्हारा दिल चाहा और हम तुम्हारे पास आ गए।
लेकिन हम कोई बात करना चाहते हैं। कहें बीजान। बेटा तमहीद क्या बांधना, आप तो बेटी हैं हमारी, और अगर माएं अपनी बेटियों के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा, है ना? बेटा अभी तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी का पूरा मुस्तकबिल तुम्हारे सामने पड़ा है। हम ये नहीं कह रहे फौरन अभी अभी या देर से, लेकिन आपको अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब भी आप ये सोचे ये मत भूलिएगा कि हम आपकी माँ हैं। हम आपको इस घर से बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रुखसत करेंगे अपने साये। शुक्रिया बीजान। मेहरमा।